Eso yo creo. पांच महिलाएं हैं अलग अलग सेंटर्स में सीटेट एग्जाम देने के लिए नोएडा में एक ओयो होटल में रुके हुए थे। इन लोगों का परिजन लोग सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास संदिग्ध अवस्था में गाड़ी के एक फोर व्हीलर के पास ये लोग थे, तो सुबह वाला हम लोगों की चेकिंग पार्टी इन लोगों से पूछताछ किया, पूछताछ में ये लोग सही जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद उसी से जुड़ते हुए हम लोग वही होटल तक पहुंचे हैं और उसमें पता चल गया कि जो गुरुग्राम में दो सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए यहाँ रुके हैं और इसके अलावा जो मुरादाबाद, एक मथुरा और एक सोनीपत, इस तरह के अलग अलग सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए जो महिलाएं हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो लोग हमारा यहाँ सेक्टर 62 में जो वही होटल है यहाँ पे रुके हुए थे। तो संदिग्ध अवस्था में इन लोगों को यहाँ रुकने का तो पूछताछ में और पता चल गया कि एक जो सीटेट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर इन लोगों को जो पेनड्राइव में लेके आके यहाँ पे इन लोगों को जो लैपटॉप में दिखा के और आज के एग्जाम तैयारी करने के लिए आए थे, इसलिए एक दिवस पहले आके यहाँ रुके हुए थे। तो ये पता चल गया, जब तक हम लोग रेड किए थे तब तक एक व्यक्ति जो जिनका पास पेनड्राइव का जो रवि है वो अभी फरार हो गया है। बट हम लोगों को ये मिल गया कि मौके से एक गाड़ी और उनके साथ साथ और 2-3 लोग थे जो राजस्थान और हरियाणा से जो गैंग है इस तरह के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर्स को इन लोगों को दिखाकर जो पैसा लेके एग्जाम दिलवाते हैं, उन लोगों को अभी उसमें 2-3 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि आज का एग्जाम पेपर सच में इन लोगों को दिखाया गया या नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, CBSE के चेयरमैन को फॉर्मल लेटर भेजेंगे और इसमें जो फरार हुआ व्यक्ति और उससे जो जुड़े हुए अन्य लोगों को जो मास्टरमाइंड है उन लोगों को जब गिरफ्तार करेंगे तो और इसमें खुलासा हो सकता है। अभी फिलहाल हमारा जो एग्जाम देने के लिए आए 5 लोग और उनके साथ जो मीडिएटर्स है और जो परिजन है वो सब लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ऐसे पहले भी मामले दर्ज हुए, कितने मामले? पहले सेक्टर 58 में अलग अलग एग्जाम, जैसे स्टाफ सिलेक्शन फंक्शन है, इस तरह के अलग अलग एग्जाम में हम लोग पहले भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे पहले लगभग 8 मुकदमा लिख चुके हैं, बट उसमें खास बात है कि वो एग्जाम सेंटर हमारा क्षेत्र में था, मतलब सेक्टर 62 में जो आया डिस्ट्रिक्ट जोन और अन्य सेंटर्स जो हमारा क्षेत्र में था, तो हम लोग उनको सूचना मिल गई थी और हम लोग गिरफ्तार किए थे। इस मामले में स्पेसिफिक थोड़ा अलग क्या है, इसमें एक डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम सेंटर यहाँ नहीं है और यहाँ आके रुके हैं एक दिवस पहले आके, तो ये संदिग्ध है। वैसे इस तरह यहाँ रुके हैं और पूरा हम लोग पूछताछ और एविडेंस हम लोगों को ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जो व्यक्ति भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं सोनीपत से, 2 लोग आके यहाँ रुक के इन लोगों को पूरा लैपटॉप और सहित पूरा इन लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमको लगता है कि ये सीटेट एग्जाम का ये लोग किसी तरह क्वेश्चन पेपर लिए होंगे। बट अभी कहना जल्दीबाजी होगा क्योंकि हम लोग अभी गिरफ्तार करना और लोग शेष हैं और इसको जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें और क्लियरेंस हो। ये कैंडिडेट से पैसा कितना लेते थे और किस तरह से कैंडिडेट को कांटेक्ट करते थे? ये इन लोगों के मीडिएटर्स भी हैं जो जिन लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और हर कैंडिडेट से ये लोग अभी पूछताछ में पता चल के 3 लाख लिए हैं और जो ट्रांसैक्शन का हम लोग एविडेंस भी हम लोगों को मिला है, जो कुछ फोन पे से ट्रांसफर किए हैं और चैट्स है जो व्हाट्सएप चैट्स हैं इन लोगों को, वो सब हम लोगों को एविडेंस के रूप में मिल गया है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं ये लोग हरियाणा और राजस्थान का जो गैंग है जो इस तरह इन्वॉल्व है, ये लोग और हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग इस गैंग में इन्वॉल्व है। मास्टरमाइंड कौन है? जो कैंडिडेट गिरफ्तार हुए क्या केवल हरियाणा के हैं या और भी जगहों के? इसमें सब हरियाणा के हैं। सर, इसमें दिल्ली हाली में यूपी के इसमें जो गिरफ्तार हुए, इसमें 2 लोग, एक दिल्ली पुलिस का एएसआई है और एक और व्यक्ति सीएसएफ में है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चल रहा है कि ये दोनों मीडिएटर्स है
हो सकता है इन लोगों का और सारे और अन्य लोग भी जुड़े होंगे, बट अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और क्रम में हम आगे आगे बढ़ेंगे और चीजें खुल सकती हैं। सर, नौ मामले दर्ज किए गए नोएडा में, क्या एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट की कभी पुलिस ने जांच किया कि नहीं? लोगों का पास कैसे आ गया? एक साल से लगातार जैसा ये केस यहाँ नहीं।